अमनेर तालुक्यातील ताज्या बातम्या व ठळक घडामोडींसाठी पाहत रहा जेबीएन महाराष्ट्र। नमस्कार, मी मिनल चौधरी। पाहूया काही ठळक वृत्त। प्रकाशचंद जैन बौद्धेशीय संस्था संचालित जामनेर तालुक्यातील पळासखेडा येथील जैन नॉलेज सिटी या ठिकाणी पद्मभूषण विभूषित परमपूज्य आचार्य भगवंत श्रीमंत विजयरत्न सुंदर सुरेश्वरजी मासा यांचे जीवन जिने की जडीबुटी या विषयावर जाहीर प्रवचन संपन्न झाले। अंगावरील कपडे, गाडी, बंगला, मनुष्याला प्रत्येक वस्तू चांगली पाहिजे, मग विचार चांगले का नकोत? जिथे विचार चांगले आहेत तिथेच स्वर्ग आहे। खराब विचारांना मनात थारा देऊ नका, आपले विचार चांगले ठेवा, असे मोलाचे संदेश पद्मभूषण विभूषित परमपूज्य आचार्य रत्नसुंदर सुरेश्वरजी मासा यांनी जीवन जिने की जडीबुटी या विषयावर प्रवचन देताना केले। यावेळी राजकुमारजी कावडिया, मनोजकुमारजी कावडिया, संघपती ईश्वर कोठारी, सचिव साबद्राजी, पारस ललवाणी, पुखराज डांगी, राजू कोठारी तसेच समाज बांधव उपस्थित होते। सबसे पहली बात जो 100% मेरे बस की बात है, मेरी 20 मैं मन में जो भी सोचता हूँ, मेरे मन में जो भी सोच चलती है गुरुदेव, वो निश्चित तौर से अच्छी सोच है। गलत सोच, बुरी सोच मैं कभी नहीं करता हूँ। यू कैन गिव मी प्रॉमिस, आपके बस की बात है। अच्छी गाड़ी लाना आपके बस की बात नहीं, अच्छा ड्राइवर लाना आपके बस की बात नहीं, अच्छा बंगला आपके बस की बात नहीं, अच्छा शरीर आपके बस की बात नहीं, अच्छा कपड़ा आपके बस की बात नहीं। एक ही चीज आपके बस की बात है, वो है आपकी मन की इच्छा। मेरे मन में भी मे भी पॉसिबल में भगवान ने जो कहा ऐसा जीवन मेरे पर न भी हो, मैं ऐसा पवित्र जीवन शायद न भी जी पाता हूँ, मगर मेरी इच्छा को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। 100% आई हैव गुड विशेस। प्लीज कमेंट मत करना, दिल से पूछना चाहता हूँ। हम चाहते कि गुड विशेष को लेके मैं बैठा हूँ, छोटा सा प्रश्न पूछ लो। आपका खुद का इकलौता भाई बिजनेस में आपसे आगे निकल जाता है, यू विल रियली हैप्पी। मैं बात इसलिए कहना चाहता हूँ, ओनली इंडिपेंडेंट में हूँ सोच के लिए, बाकी हर जगह मेरी पराधीनता में चाहता हूँ फिर भी नहीं हो सकता हूँ, मगर इसमें मुझे रोकने वाला कोई नहीं। चाहे गटर के पास भी मैं उद्यान की सोच रख सकता हूँ, गटर के पास चारों गंदगी उनके बीच में मैं फूल की बात कर सकता हूँ, मेरे मन में फूल की समाप्त होती है। आपकी इच्छा क्या? गॉड बनने के लिए गुड बनना चाहिए, और गुड बनने के सबसे पहले नंबर का स्टेप है गुड विषय। आपको संत बनना है, सज्जन बनना है, परमात्मा बनना है, उनका कॉमन फैक्टर है गुड विषय। इफ यू लाइक टू बी जेंटलमैन, इफ यू लाइक टू बी सब, दो भगवान का दर्शन कर लो, मगर ये तीन से भी सबसे टॉप बात है तीर्थ मंदिर, संघ मंदिर, गृह मंदिर, इससे बेटर है हमारा मन मंदिर बनना। अवो प्रभु मुझे मन मंदिर है, भगवान मेरे मन को मैंने मंदिर बना दिया है। एक बार आप देखो पागल बन जाएंगे मेरे मन को देख करके। मेरे मन को मैं खुद देखने के लिए तैयार नहीं हूं, भगवान कहां देखेंगे? अंदर झांकेंगे तो पता चलेगा दुनिया भर की गंदगी में लेकर के बैठा हूं, मैं खुद नहीं देख पाता हूं, भगवान कहां आएंगे? प्रवचन माला चलेगी, पहले मैं इतना पूछना चाहता हूँ, यदि आपके हाथ में और भी बात बताऊ, हर चीज बाजार में जाकर के अच्छी पसंद करते हो, सोच अच्छी पसंद क्यों नहीं करते हो? सब्जी अच्छी चाहिए, कपड़े अच्छे चाहिए, फर्नीचर अच्छी चाहिए, अरे कुछ भी अच्छी, अरे कचरा निकालने का झाड़ू भी अच्छा चाहिए, झाड़ू। हमारी हर चीज की डिमांड यदि अच्छी है तो सोच की डिमांड क्यों गलत है? आप मुझे बता पाए तो बताओ। मैं दिल से कहना चाहता हूं, हम निश्चित तौर से गुरुदेव, हम अपने को देखने के लिए तैयार नहीं, इतनी गंदी सोच विरोध नहीं है। क्यों मतलब? जब आपके बस की बात है यू कैन डाइवर्ट इट।
वन वे ट्रैफिक होता है ना, मैं आप रिवर्स में नहीं आ सकते हो, बराबर ना। वन वे ट्रैफिक होता है ना, मे बी पॉसिबल और संकीर्ण रास्ता है, आप कम बैक करना चाहते हो तो भी ना कर सको। कहीं ऐसा लगता है कि सामने जाना तो डायवर्जन की जगह ही नहीं, तो कहाँ जाएंगे। मगर सोच के लिए सब कुछ आसान है, यू कैन कम बैक, यू कैन कम रिवर्स, स्पीड ब्रेकर हर चीज तो मेरे पास उपलब्ध है। फिर मैं पूछना चाहता हूँ, मेरी सोच गंदी क्यों? एक लड़के को इसके पिताजी ने बता दिया, बेटा एग्जाम आ रही है, एग्जाम लड़के लोग इनकी मानसिकता ऐसी होती है, तो इनको बता दिया एग्जाम आती है तो परमात्मा के मंदिर में जाएगा और तीन प्रदक्षिणा देगा तो पास हो जाएगा। हाँ, और बेटा गया, घर के बिल्कुल बगल में मंदिर था, मंदिर में तीन प्रदक्षिणा देने में 3 मिनट लगती थी, मगर 12 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25, 30, 35, 40 मिनट हुई, लड़का नहीं आया। और पिताजी के मन में थोड़ी चिंता हुई, कहाँ गया बेटा? बेटे को ढूंढने के लिए निकले, उसी टाइम बेटा चेहरे के मुस्कान के साथ आ रहा था। इस बेटे की सोच के साथ खुद की सोच को टैली कर देना एक बार। मैं एग्जाम्पल इसलिए देता हूँ, सभी लड़के पास हो जाए इसके लिए प्रदक्षिणा दी और ये बाप की आंख में आंसू चले। तुम चाहते हो मेरे जैसा भी इतने सभी का हो जाए, चाहते हो तुम? मेरी 3 प्रदक्षिणा देने से लड़के पास हो जाता, 45th नंबर वाला भी पास हो जाना चाहिए। तुम चाहते हो सामने वाले सब तुम्हारे जैसे सुखी बिंदे? वेर वी आर, अच्छे कपड़े पहन के निकल गए मगर अच्छी सोच का क्या है? वी शैल स्टार्ट फ्रॉम हियर। भगवान से विनती करेंगे, भगवान सबसे पहले मेरी सोच तो अच्छी कर दे, एट एनी कॉस्ट, बाकी सब गंदगी में स्वीकार कर लूंगा, मगर इससे मैं थक गया हूं। और आपको मालूम होगा, कभी भी कोई आदमी सुसाइड बंदूक से करता है, मशीन गन से, आपने देखा होगा, वो कभी यहां नहीं रखता है, यहां ही रखता है, मालूम है? यहां तो सब कुछ ठीक ही चलता है, जो खोपड़ी है ना वहीं सब दिक्कत है। हाँ, वो थक जाता है, वो इतना थक जाता है कि छोड़ो यार, मार दो गोली और खत्म कर दो, ये सब डिस्टर्ब कर देती है। पहले इतना बताओ, चलो मैं आगे चलो, इनके मुझे पूछू, गलत सोच के लिए तुम्हारे मन में कभी दुख आया? चलो गलत सोच क्यों आई वो भी नहीं पूछना चाहता हूं, मगर इतने दिनों के बाद मेरे मन में गंदे विचार जाते नहीं है, बार बार आते, मैं खुद सामने से करता हूं। इनके लिए तुम्हारी आंख में कभी आंसू आए? भगवान को तुमने कभी प्रार्थना की, भगवान इतना तो कर दो, शादी करने के बाद 4 बेटे के बाप होने के बाद भी रास्ते में जाती हुई लड़की को देखने का मन होता है, भगवान में क्या शैतान हूं? देखता हूं नहीं देखता हूं फिर की बात, मगर क्या लेकर के बैठा हूं भगवान? करोड़ों रुपया होने के बाद भी भगवान बिजनेस में अभी भी मैं झूठ बोलता हूं? आप मुझे पूछ सकते हो एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू प्रवचन, अकेला मैं ही नहीं बोलूंगा, आपके मन का भी डाउट हो आई कैन बी क्लियर। अच्छी सोच मेरे हाथ की बात है, फिर भी मैं क्यों नहीं करना चाहता, ये मेरा प्रश्न आपको है। एनी आंसर फ्रॉम यू? क्या हुआ मन की? मन की चंचलता में गलत सोच कहां है? मन अस्थिर था, ओके साहब, बोलो रुपये गिनते गिनते कभी मन अस्थिर हुआ? याद रखना तुम्हारा गुरु हारू है नहीं। रुपये गिनते गिनते कभी तुमने शिकायत की कि मानस से मन अस्थिर होता है? नहीं, वो तो गिनते गिनते एक दो इधर उधर होता तो थूक लगा के बराबर गिनते होते, मानो कहां मन अस्थिर है?
वेर यू आर इंटरेस्टेड, वेर देर इज द इंटरेस्ट, वहां कोई मनस्थी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आप बताओ, हम अपने को बहानाबाजी करके अपनी गंदी सोच को अभिदान नहीं देंगे। आप डिक्लेयर कर दो गुरुदेव, वी आर इंटरेस्टेड इन बैड थॉट्स, अब बाकी सब बहानाबाजी निकाल दो। गुरुदेव मैं खुद अंदर से पागल हूं गंदी सोच के लिए, इसलिए मैं करता हूं, नो वन कैन मूव मी। हम कबूल करने के लिए तैयार है कि वी आर इंटरेस्टेड इन बैड थॉट्स, ये भी तो ईगो हटोता है ना। महाराज साहब मैं गंदे विचार में रस लेता हूं, मेरे जैसा सज्जन आदमी क्या महाराज साहब समाज में मेरी छवि इज द जेंटलमैन इज द गुड मैन, और मैं ये कहूंगा सबके बीच में कि आई एम इंटरेस्टेड इन बैड थॉट्स, और यदि इंटरेस्टेड नहीं है तो विद हु कैन फोर्स यू। क्या है अपने मन की जो अस्थिरता है वही अपने कौन थॉट से बाहर आ रहा है? पहले क्लियर कर दो, आपके प्रश्नों का मैं सीधा जवाब दूं, मन अस्थिर है वो समस्या नहीं है, मन मलिन है वो समस्या, अस्थिर मन वो समस्या नहीं। और अस्थिर मन की मैं बात करूं, हम निश्चित तौर से मजे में है क्योंकि हमारा मन अभी अस्थिर है, अस्थिर, वी आर रियली हैप्पी ड्यू टू देम। अब बता पाएंगे क्यों? मैं यहां बैठे बैठे पालीताना शत्रुंज में जाकर के परमात्मा का दर्शन कर सकता हूं क्योंकि मन मेरा अस्थिर है, मैं यहां फिर सकता हूं, बैठा हूं जामनेर के इस कॉलेज के प्रांगण में, और यहां बैठे बैठे भी मैं भगवान का दर्शन कर सकता हूं, मन अस्थिर है इसलिए, और मे बी पॉसिबल यहां बैठे बैठे भी सिनेमा के थिएटर में तुम जा सकते हो, मन मलिन है इसलिए। रिपीट, अस्थिर मन मंदिर में जाता है, मलिन मन थिएटर में जाता है। अभी मुझे बताओ सदगुरु वेयर यू आर गोइंग, मन अस्थिर चौकस है मगर मेरी ताकत और आपकी ताकत में इतना फर्क क्यों आया? ओके, हाँ नॉलेज भी नहीं, बहुत अच्छे है मगर भावना उसकी गलत आ रही है, मन से एक बात, मलिन मन वो बात है ना, वो भी अभी मत करो। एक बात मैं आपसे क्लियर करूंगा, आप परमात्मा को नहीं मानते हो, आप एक नंबर के नास्तिक को लेकर के मैं बात करना चाहता हूँ। आप पाप बात छोड़ दो, कर्म बंद होगा, पाप होगा, मरने के बाद दुर्गति में जाएंगे, भगवान को नहीं मानेंगे नास्तिक ठहरेंगे, सब कुछ छोड़ दो। गंदा मन आपको वर्तमान जीवन में भी डिस्टर्ब करता है। पिता नहीं हूं मैं, जब पीता हूं बोलता तब आपको क्या याद आता है? पानी दूध को ठीक, बोलो बोलो जल्दी, ये पर्याय है क्या? पीना और शराब पर्याय है? वो लड़के ने नहीं, नहीं बराबर है, वो लड़के ने मुझे बता दिया, हमारे ऐसे तो मैं नहीं पीता हूँ मगर कभी कभी माथेरान मालेश्वर उठी जाना होता है मित्रों के साथ, मजबूरी से भी गुरुदेव पीना पड़ता है। मैं बोला दिक्कत क्या है? मैं से दिक्कत इसलिए है कि मेरे परिवार में मेरी छवि बहुत अच्छी, बहुत गंभीरता से यह सब सुनना, मेरी पत्नी के लिए मैं आदर्श पति हूँ, मेरे बेटे के लिए बहुत अच्छा पिता हूँ। गुरुदेव जिस दिन मेरी पत्नी को मेरे बेटे को पता चल देगा पप्पा पीते थे, गुरुदेव समाज की तो बात एक बार छोड़ो, मेरे परिवार के नजर से गुरुदेव उतर जाऊँ गिर जाऊँ मैं नहीं चाहता हूँ, और इसलिए आपसे विनती करना चाहता हूँ गुरुदेव कोई ऐसा रास्ता दिखा दो कि पीने का नशा मेरा खत्म, मेरे मित्रों को ना बोलने की मेरे पास हिम्मत आ जाए। मैंने पूछा दिल से मांगता है क्या? गुरुदेव आपने तो मुझे बुलाया नहीं, आप मुझे पहचानते नहीं, मैं जानबूझ के आपके पास पहली बार आया, और आपके पास आने के बाद मेरी कमजोर वीक पॉइंट मैंने आपको बता दिया, दैट मीन्स आई विश, ये देखो गुड विश। मैंने बोला आर्थिक स्थिति कैसी? गुरुदेव बोतल पीने में आर्थिक स्थिति कहाँ है? मैंने बहुत रिलेटेड है। गुरुदेव आप सोचो नहीं इतनी अच्छी स्थिति,
ये 20 साल पहले की बात, जब कच्छ में भूकंप आया था तब की बात। मैंने कहा ये कम कर दे, एक बोतल पीवे तो 1 लाख रुपए की पेनल्टी मुझे दे दे। गुरुदेव, 1 बोतल का 1 लाख, तू बोला ना आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है। 2 मिनट रुका हुआ और बोला, गुरुदेव नियम दे दो, मेरी आंखों के सामने मेरे माता पिता, मेरा भाई, मेरी भाभी, मेरी पत्नी, मेरे बेटे, सब कुछ है, और मैं खुद चाहता हूँ मेरी छवि अच्छी हो जाए, और इनके लिए गुरुदेव इतना बलिदान देना पड़ेगा, तो आई एम रेडी टू पे फॉर दैट। और वो नियम ले लिया। आज 20 साल हुए, हर साल वो लड़के को मैं पत्र लिखता हूँ कि 1 लाख रुपया कब भेजता है, वो बोलता है अगले जन्म की राह। 1 बोतल 1 लाख आपको दे दो। क्या था, अच्छी सोच लाने के लिए 1 लाख रुपए पेनल्टी लेने के लिए था गई। आज से हम प्रयास, मैं बिना पेनल्टी की बात नहीं करना चाहता हूं, मगर एकदम नीचे उतर दो बात आपसे करूंगा, उपकारी और उत्तम पुरुष के लिए गंदी सोच का भी मत करना, बस इतनी आपकी मानसिकता। रिपीट, आपकी आंखों के सामने जो संत सज्जन समाज में जो अच्छे लोग हैं, जिनकी गुडविल अच्छी है, उनके लिए गुरुदेव में गंदी सोच कभी नहीं करूंगा, और जो पवित्र पुरुष संत है, त्याग का जीवन लेके बैठे है, उनकी कभी गंदी सोच इनके लिए तो कभी नहीं। वी शैल स्टार्ट फ्रॉम हियर। सारी दुनिया के लिए गंदी सोच नहीं करूंगा, किसी के लिए नहीं करूंगा, वो बहुत बहुत दूर की बात है। वी शैल स्टार्ट फ्रॉम हियर। और इंग्लिश का एक सूत्र आपको के सामने ना, यू टेक द केयर ऑफ बिगिनिंग, गॉड विल टेक द केयर ऑफ एंड। यू टेक द केयर ऑफ बिगिनिंग, बस शुरुआत कर दो, फिर देखो प्रभु आपको क्या सपोर्ट कर देते हैं। तो हम यहां से शुरू करेंगे गुरुदेव, गुड विशेष जो मेरे बस की बात है, और वो उसमें भी गुरुदेव मैं कंट्रोल करूंगा, इतना इतना इतना। सेकंड नंबर गुड विशेष के बाद गुड वे, सेकंड नंबर की सीढ़ी जो मैं मेरे जीवन को सही अर्थ में गुड बनाना चाहता हूं, सेकंड नंबर मेरे सामने है गुड वे। गुड वे, आपने वो लाइन सुनी होगी, जिस राह की मंजिल पे तेरा मिलन हो उस पर कदम मैं बढ़ाऊं। अब बोलो गुरुदेव, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ गुड वे, मे बी पॉसिबल। आप बोलो गुरुदेव, अच्छा रास्ता का सोच क्या, हम किसको बोलेंगे गुड वे? आप इनको बोलेंगे या ये इनको बोलेगा, ये इनको बोलेगा, ये इनको बोलेगा, सब छोड़ दो। आउटपुट दिखा दिया, जिस राह की मंजिल पे तेरा मिलन हो उस पर कदम मैं बढ़ाऊं। जिस राह की मंजिल पे प्रभु तू मिले, तेरे साथ तेरा मिलन हो जाए, वो रास्ता मेरे लिए अच्छा। अभी आप चेक कर लेना, वाइन पीने के रास्ते से परमात्मा मिलेंगे, जुगाड़ करने के रास्ते से परमात्मा मिलेंगे, व्यभिचार के रास्ते से प्रभु मिलेंगे, गाली देने के रास्ते से भगवान मिलेंगे, बाजार में अनित्य करने के रास्ते से भगवान मिलेंगे। ये एक बार अपने आप को सोच देना, गुड में कौन सा, जिस राम की मंजिल पे तेरा मिलन हो उस पर कदम मैं बढ़ाऊं। आपका पैर कहां जाता है? आप समझे ना, मैं आपको छोड़ दिया, मैंने आपको वो सजेशन नहीं किया, ये पकड़ना नहीं, छोड़ो मंजिल पे तुम परमात्मा बन जाओ, या तो आपको खुद को परमात्मा मिले और रास्ते पे निकल जाओ। डोंट टेक माय ओपिनियन, गुरुदेव रास्ता सही है मुझे मत बोलो, तुम अपने आप को चेक करोगे परमात्मा बन के रहेगा या भगवान निश्चित तौर से मुझे मिलेंगे। मुझे आइंस्टाइन को नहीं मिलना, मुझे गैलीलियो को नहीं मिलना, मुझे कोई रॉकफेलर को नहीं मिलना, मुझे मिलना है भगवान, आपको मिलना है। यदि ये आपका गुरु का जुड़ बोल पाएंगे क्या? अभी विष की बात गई, नाउ यू टू डू समथिंग गुड। पहले सोच की बात मैंने की थी, वो आप बात खत्म हो गई, चैप्टर पूरा हो गया। नाउ व्हाट यू लाइक टू डू, एक गुड की बात मैं करना चाहता हूं। आप गुड वे पे आपके कदम रखेंगे,
जब आपके बस में और भी आप इसमें भी ऑप्शन दे दूं, सच बोलो आपके पास दोनों चॉइस हो तब आप किस चॉइस की किस रास्ते की चॉइस करेंगे, जैसे सोच की बात बताई ऐसे रास्ते की, दोनों चॉइस जब आपके हाथ में हो तब आप कौन सी रास्ते की बस चॉइस करेंगे? नहीं, आप कौन सा रास्ता, दोनों रास्ते आपके सामने है तब विशेष तो मत गई नाउ गुड वे सच बोलो, नरम शब्द से पेमेंट मांग सकते हो, कड़क शब्द से पेमेंट मांग सकते हो, कौन से शब्द का प्रयोग करो? लगता है सामने वालों को एटिक नहीं है, मजबूत छाती लेके बैठे। मैं ही आपके सामने खिलाई भी हूँ, दया नम्रता सरलता प्रभुपा सब। यू कैन बी रीच, यू कैन बी सक्सेस, यू कैन बी साइंटिस्ट, बट यू कांट बी गॉड एट ऑल। दिल से पूछो, और एक बात बताऊ, आपकी मजबूरी हो उनकी बात मैं नहीं कर रहा, आप खुद आपके लिए यदि बात, मैं एक छोटा सा प्रश्न पूछू, कितने रुपये के मालिक बनने के बाद बिजनेस में झूठ नहीं बोलेंगे? सच बोलो तो एक छोटा सा प्रश्न, प्रवचन चलता है फिर भी आप झूठ बोलते हो तो क्यों बोलते हो? आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू समी रीजन, आप जानते हो निश्चित तौर से झूठ है फिर भी क्यों बोलते हो, और आपने सुना भी है झूठ नहीं बोलना चाहिए, सुना फिर भी तुम झूठ बोलते हो, तो आई वुड लाइक टू नो रीजन फ्रॉम यू व्हाई व्हाई मंदी है इसलिए झूठ बोलते हो, समझ में आता है, चलो मंदी का माहौल बहुत है गुरुदेव, जमता नहीं है, मन डिस्टर्ब है, भरपूर तेजी है, तब झूठ क्यों बोलते हो? तो मुझे बताओ मंदी में भी झूठ बोलते हो, तेजी में भी झूठ बोलते हो, सच कब बोलेंगे? नहीं, नो कॉमेंट प्लीज। हम ऐसे जिंदगी को ऐसे बेकार बना दी, हम कभी सोचा भी नहीं कि क्या फॉर व्हाट, कोई पर्पज नहीं हो, विदाउट पर्पज में झूठ बोलता हूं, विदाउट पर्पज कोई काम नहीं, मेरे पास झूठ बोलने का करोड़ों रुपया है भी इतनी जबरदस्त, कोई प्रश्न नहीं है फिर भी झूठ, तो इतना बोल दो सीधे सीधी बात, आपके मन की बात बताओ गुरुदेव, हम झूठ को पाप अपराध मानते ही नहीं, सीधा बोल दो। ये हमारा एक्सरे है, हमारा फोटो नहीं, हमारा एक्सरे है गुरुदेव, हम झूठ सच लाभ और नुकसान के हिसाब से नहीं बोलते, हम झूठ को पापी तो नहीं मानते, गलत क्या है? ये रास्ते पे परमात्मा मिलेंगे तुम्हें, जामनेर में भव्यतम बरसों पहले सामने आया था, कल जामनेर में प्रवेश होगा, रास्ते में कई जामनेर वाले आए थे, उन्होंने बताया गुरुदेव जामनेर बहुत सुधर गया, मैं बोले रास्ता की आदमी रास्ता तो देख लिया, अभी देखता हूं दोनों आज तुम्हें अब बिगिनिंग कर रहा हूं, कल देखूंगा तुम्हारा सबका लैब में रिपोर्ट। थोड़ा भी तुम सुधरो कि मैं निकलने के बाद धन्यवाद दूंगा। एक बाप था ना, अपने बेटे को थोड़ा मंदबुद्धि था, तो इनके पार्टनर ने फोन किया कि सुना है कि आपके बेटे को अभी ठीक है, पागल जैसा था ठीक है, ठीक है ना, मैं बोलता हूँ ना ठीक ही, आ जाओ देखने के लिए। गया, कहाँ है आपका बेटा? वो अंदर कमरे में, कमरे में गया, बेटा अकेला बैठा था। बेटे को पूछा तू कौन है? उसने बोला होम मिनिस्टर अमित शाह। अभी इतना सुनने के बाद उनको लगा ये बाप भी बेकार लगता है।
फोन करके बोला था 200 किलोमीटर में चेक करने के लिए कितना मैं दुनिया से कितना है एक सौ दस वो जीना आ गया आपके पास। आप ये बोलते हैं कि आपका बेटा अच्छा हो गया, ये तो बोलता है क्या हो गया, अरे वो बोलता कि आई एम द होम मिनिस्टर अमित शाह। भाई यही तो अच्छा हुआ, क्या अच्छा हुआ, अरे कल तक बोलता था आई एम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। इतना पागलपन तो जामनेर वाले का कम हुआ। हम देखेंगे आपको क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं है गुरुदेव, ये रास्ता हमें चाहिए। मंदिर का निर्माण भगवान के लिए नहीं है, भगवान को मंदिर चाहिए भी। मैं रिपीट करना चाहता हूं, शायद हमारे मन में ऐसा भाव कि भगवान को मंदिर की ना जरूरी है, भगवान को नहीं जरूर है, हमको जरूर है। हमने हमारे मन को श्मशान बना के रखा है, हम मंदिर बनाना चाहते हैं। सबको जला दे उनका नाम श्मशान है, सबको बचा दे उनका नाम मंदिर। हमारे मन में अब तक सबको खत्म करने का भाव चलता था, गुरुदेव हम चाहते सबको बचा ले। वो भाव को लेकर के मन में एक भाव आया कि ऐसा स्थान हो जहाँ बार बार जा करके उनके दर्शन करके हम अपने आप को प्रेरित करें। और आपने देखा होगा श्मशान गांव के कोने में होते हैं, मंदिर गांव के बीच में होता है। क्यों बार बार सब्जी लेने के लिए जाओ, बिजनेस के लिए जाओ, बार बार यहाँ आपको प्रदक्षिणा देनी पड़ती, हर टाइम आपको मंदिर याद कराता है कि तू ये है, तू ये है, तू ये है, तुझे ये बनना है, इसलिए हमने मंदिर को बीच में रखा, श्मशान को गांव के बाहर। गुड विशेष, गुड वे, नंबर थर्ड गुड वर्ड्स। मेरे मन से निकलने वाले शब्द अच्छे हो, सच बोलो इसमें आप दावा कर सकेंगे कि गुरुदेव गुण वर्ष के क्षेत्र में हमें 100% मान मिलेंगे। शायद शब्द माने समय परसेंटेज, शब्द बोलना आपकी चॉइस है, आप जो भी शब्द बोलना चाहते हो बोल सकते हो, फिर गंदे शब्द गलत शब्द क्यों, जैसे मन की बात मैंने बताई। आज मैं बिजनेस करूं, थोड़ा बिजनेस में दुकान खोलिए तो थोड़ा क्या है, माल तो माल जी में जो प्रॉफिट करो, माल तो सेल मुको तो आगे दुकान खाली थी। आज बस इतना छोटा सा प्रश्न आपको पूछना चाहता हूँ, जामनेर वाले जो भी बैठे मेरे संग, एक दिल से मुझे जवाब देना, आपके मुख से निकलने वाली गाली आप दामा के साथ इस व्यासपीठ पर बैठने वाले गुरु भगवान को प्रॉमिस दे पाएंगे, हमारी गाली में गुरुदेव कभी भी माँ बहन का प्रयोग हम कभी नहीं करते, यू कैन गिव मी प्रॉमिस माँ बहन, चाहे आपका पेमेंट किसी ने डुबा दिया वो गलत था, इनकी माँ कहाँ गलत, इनकी बहन ने कहाँ गलती की, उनकी धर्मपत्नी सुशील है, उनकी बेटी भी पवित्र है, आप सीधा माँ बहन बेकार बोल सकते हो। ऐसा हमने नेचर बना दिया कि विदाउट विदाउट लेडी कोई गाली निकलती नहीं है मेरे मुंह से। ये तो शालीनता की हर मर्यादा चुक गए। आज मुझे कम से कम इतना प्रॉमिस दे दो, कौन सी डेट हुई आज, फरवरी,
जब तक मेरी उपस्थिति यहाँ है तब तक गाली नहीं बोलेंगी, वो मैं नहीं कहना चाहता हूँ। गाली शायद मुंह से निकल भी जाएगी गुरुदेव, माँ बहन का प्रयोग कभी नहीं करती। नहीं बात आज मैं चाहता हूँ आप सबके हाथ इसमें ऊंचे हो जाए। बहुत अच्छा, धारणा विग्रह बचका है, धारणा विग्रह बचका नजर सागरण महोत्तराखंड सोत्याखंड को सुने। दो बात बताना चाहता हूँ, रामायण और महाभारत दोनों शब्द से पैदा हुई थी। तुम ये शब्दों को मामूली मत मानना, यदि एक मंत्रा नहीं होती तो शायद रामायण पैदा नहीं होता। और अंधे के बेटे अंधे है ये शब्द द्रौपदी के मुंह से नहीं निकला तो शायद महाभारत पैदा नहीं होता। दो गलत शब्द प्रयोग ने इस हिंदुस्तान का इतिहास बदल दिया। तो कम से कम हमारे घर की व्यवस्था, और एक बात याद रखना, आपके दिल और दिमाग को सबसे पहली असर मेरे शब्दों की होगी। दिल और दिमाग दोनों सबसे पहली असर मेरे दर्शन से नहीं होगी, जो मैं बोलता हूं उससे तुम्हारा दिमाग सोचने लगा या तो दिल बढ़ जाएगा। तो जो शब्द से मेरा जीवन तैयार होता है तो भ्रष्ट हो जाता है, वो शब्द के प्रयोग में मैं कितना सचेत रहूंगा। 1964 की शिविर थी गुरुदेव की, अचल गर्मी, मेरे मन में कोई साधु बनने का भाव भी तो नहीं था। बिफोर 110 ईयर्स गुरुदेव भुवन मनुसूरी महाराज यू द डिकॉम एमसी लंडन फर्स्ट क्लास, 110 साल के पहले। आपके मुंह से निकलने वाले शब्द सुने और जीवन मन सब बदल दिया। और फिर से मैं कहना चाहता हूं, अच्छी सोच आपको ही बदलेगी, अच्छे शब्द सबको बदल देगा। मैंने कभी कभी सोच से भी आगे बढ़ सकते। आपने मान लिया कि गंदी सोच की तो तुम अकेले डिस्टर्ब हो गए, मगर गंदे शब्द निकल गए द्रौपदी के मुंह से पूरा सब डिस्टर्ब हो गए। इसलिए आज एक आपको थोड़ा और प्रैक्टिकल दे दूं, बाहर जाकर के कमेंट मत करना, प्रवचन अच्छा था। 7 स्पॉट्स आप पकड़ लो कि जहां शब्द प्रयोग आप बिगाड़ेंगे। आई एम गिविंग यू 7 स्पॉट्स, डोंट डिस्टर्ब योर वर्ड्स। नंबर 1, जब भी आपको घर से बाहर निकलने का मौका मिलता है तब परिवार में किसी के साथ शब्द बिगाड़ के मत निकलना। समझ नहीं क्या? मैं भी पॉसिबल अलग अलग सिचुएशन घर की होती है, तुम भी तरह में आए थे, अपनी धर्म पति को बेटे को अलम सनम कुछ बोल के निकल जाते हो। मैं दिल्ली में था, पति और पत्नी दो ही रहते थे, और किसी भी कारण से पति तनाव में आ गया और घर से बाहर निकल कर पत्नी के साथ कुछ ऐसे कठोर शब्द प्रयोग कर दिए, पति तो निकल गया। और पत्नी ने सोचा जिंदगी भर तक ये पूरे घर की भी इतनी व्यवस्था करने के बाद मेरी कोई कदर नहीं, बस ये जी कर भी के साथ निकल जाना। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, करोड़पति के घर की बहू थी, सुसाइड कर दिया, सुसाइड। 7 स्पॉट, घर से बाहर निकलते वक्त 10 शब्दों को संभाल लेना। नंबर 2, बाहर से जब भी घर में दाखिल हो तब शब्द को बिगाड़ने की गलती कभी मत करना। ट्रैफिक जाम था, सिग्नल व्यवस्था नहीं थी, आपका पेमेंट डूब गया था, आज बिजनेस बिल्कुल नहीं हुआ और बहुत तनाव में तुम थे, और उसी टाइम घर में दाखिल हुए और बेटे ने बोला पापा मेरे लिए ट्रॉफी लाए कि नहीं, और आपका प्लीज नहीं, 2 मिनट
के लिए जब घर में तुम प्रवेश करते हो उसी टाइम शब्दों को बिगाड़ने की गलती कभी मत कर। नंबर 3, भोजन करने के लिए बैठो तब शब्दों को शांत रखना। शांति से भोजन करते हो जानने में मुझे बस अभी थोड़ा आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ, मगर पहले पूछ लो पूरा परिवार साथ में बैठ के भोजन करता है? हमारा तो हाँ पढ़ो यार, साथ उपवास के लिए उन्हें बोलो कहीं नहीं। और शांति से भोजन करते हो। नंबर 3, नंबर 4, उपकारी के सामने शब्द प्रयोग बिगाड़ना नहीं। आपके घर के जो उपकारी हो, माता पिता भाई भाभी जो आपसे बड़े, उनको यदि कोई बात करते हो उनके मुंह तोड़ने की गलती शब्द से मत करना प्लीज, वहां थोड़ा कंट्रोल कर देना। नंबर 4, नंबर 5, सोने के लिए जब जाते हो शब्द प्रयोग बिगाड़ना नहीं। सोने के लिए रात को नींद होती है तब तनातनी करके सो जाने वाला जिंदगी भर सो गया, हाँ बनता है। क्रोध के साथ सोने वाला मैं भी कुछ में बीपी डिस्टर्ब हो जाता है और पूरी जिंदगी समाप्त हो जा रही। नंबर 6, धर्म स्थान में कभी क्रोध मत करना। चलो 6 नंबर तो याद करो, मेरा प्रवचन घर पे याद करेंगे कि नहीं मालूम नहीं, अभी तो बोलो। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। अरे भाई ओपन बुक एग्जाम नहीं है यार। नंबर 5, नंबर 6, अभी 7वां नंबर इजी की तबियत है, आप करना। किसी के साथ मोबाइल से बात करो तब गर्मी से बात मत करना। जिनका मुंह दिखाई नहीं पड़ता उनके साथ तुम गर्मी से क्या बात करें, समझे ना? मोबाइल से बात कॉन्फ्रेंस नहीं बोलना। जिसका मुंह तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता है उनके साथ गर्मी से बात करने में क्या मिलता है? और मालूम है तुम उनके साथ गर्मी से बात करो, वो स्पीकर फोन ऑन करके बोलता है यार आइसक्रीम खा ले देख इनको कितना गर्म कर देता। We shall control our words due to 7 spots. एक बार समझ लो, जिंदगी भर क्रोध नहीं करेंगे वो बात अभी मत रखो, हम यहां से शुरू कर देते हैं। गुरुदेव इतना तो कंट्रोल में निश्चित तौर से अपने आप करके रहूंगा, 7 spot पे तो गुरुदेव दावा के साथ बोल सकता हूँ कितने मार्क्स मिलेंगे। 100 की बात चलो, बस पास हो जाएंगे, ठीक है हाँ, अगले क्लास में ले जाना है, पास तो होंगे कम से कम। हाँ गुड विशेस, गुड वे, गुड वर्क, गुड वर्क मेरे हाथ से गुरुदेव गंदा कार्य कभी। किसी के आंखों के आंसू पोंछने की क्षमता होगी तो निश्चित पोंछूंगा, मगर ऐसा कार्य नहीं करूंगा जिसको लेकर के मेरे हिसाब से किसी की आंख में आंसू आ जाए। हर एक के चेहरे पे स्माइल लाने की मेरी क्षमता न भी होगी मगर आंसू तो निश्चित पोंछूंगा। चलते चलते गुरुदेव हाथ में लकड़ी होने के बावजूद कुत्ता शांति से बैठा होगा, उनको लकड़ी से होता है कभी कभी होता है हा? कोई लेना देना जान बुझ करके कोई कारण बेचारा शांति से बैठा है, हम लकड़ी मार कर जाते क्यों? मगर 2 मिनट का हमारा नशा और उनको हमने कभी सोचा नहीं कि ये भी तो गलत है। मैं कई जगह प्रवचन में पूछता हूँ, आज भी आपको पूछ लू, सर बोलो चलते चलते तुम टॉप गियर में तुम्हारी गाड़ी चलती है, तुम घूमने के लिए निकले हो और उसी टाइम रास्ते के कोने पे नल खुला पड़ा है, पानी जा रहा है, आप गाड़ी खड़ी करके निश्चित तौर से नल बंद करके आगे निकलेंगी गारंटी? सच बोलो, राष्ट्र प्रेम पानी प्रेम आपको इतना भी नहीं है,
सब नरेंद्र मोदी करेंगे क्या? मैं ये पूछना चाहता हूँ वैर भैया, नेशनल ज्योग्राफी नाम का मैगजीन ये कहता है कि तीसरा वर्ल्ड वॉर होगा पानी के हिसाब से होगा। आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित करने की मेरी तो सब ताकत नहीं, मगर इतना पानी का बिस्तर में बचा सकता एक मिनट का काम। तू पेमेंट लेने के लिए भी नहीं जा रहे, जस्ट ऐसे घूमने के लिए निकले हो। वो टाइम गाड़ी खड़ी करके नल बंद करने की मेरी हवानी तैयारी दी है। मैं नहीं मानता हूँ चाहे हमारा चेहरा कितना भी अच्छा हो, वी आर फेल। हमारी कोई सामूहिक राष्ट्र भावना हमारी है ही नहीं। राष्ट्र मेरा है नहीं, धर्म मेरा, घर मेरा, दुकान मेरी, बाजार मेरा, गांव मेरा, राष्ट्र मेरा नहीं। गुरुदेव आई वुड लाइक टू बी गॉड, और मुझे शुरुआत करनी है तो मैं गुरुवार शुरुआत यहां से करूंगा। सबसे पहले दुनिया की कोई ताकत मुझे रोकती नहीं, वो मेरी विश को अच्छी कर दूंगा। गुड विशेष, सेकंड नंबर गुड वे। जान बुझ करके तो गलत गंदे रास्ते पे कदम जान बुझ करके तो नहीं रखूंगा। नंबर तीन गुड वर्ड्स, और नंबर चार गुड वर्ड। प्रवचन को विराम देने के बजाय एग्जाम्पल, बड़ोड़ा में दोपहर को 12 बजे एक लड़का स्कूटर लेकर के जा रहा था। गर्मी कड़ाके की थी और सिग्नल के पास वो लड़का बेहोश हो गया। सामने पुलिस स्टेशन था, पुलिस ने लड़के को देखा और लड़के को देखने के बाद पुलिस नजदीक आए, पानी छिड़के। 2 ही मिनट में लड़का होश में आ गया। पुलिस ने इतना कहा, भाई तेज गर्मी के हिसाब से तो गिर गया था, बाइक को संभाल लेना और घर पे चल जाना। लड़का घर पे पहुंच गया और लड़के ने अपने मित्र को फोन किया। कोई भी स्वार्थ के बिना दोपहर को 12 बजे पुलिस ने अपनी जगह छोड़ करके मुझे, मेरे शरीर पे पानी छिड़के, मुझे उसने अच्छा खेल दिया, गर्मी काफी है। एक पुलिस का अच्छा कार्य देखने के बाद मेरे मन में भी एक ख्याल आया है, इफ यू कैन मी सपोर्ट मी, यदि तुम सब सपोर्ट करते हो तो हम अभी ही निकल जाए। देखो 12 बजे लड़का गिर गया है, अपने मित्रों को पूछा क्या करना है, घर पे आ जाओ, घर पे आ गए। आधा घंटा मित्रों को घर पे आने लगा, करीबन 4 मित्र थे। 4 मित्र ने 400 ग्लास छाछ के बनाए, किसके छाछ, और इतना कहा हम छाछ लेके निकल जाएंगे। गर्मी में काम करने वो मजदूर बहुत है, एक पुलिस ने मुझे पानी पिलाया है, हम सबको छाछ पिला देंगे। हम इतना गुरुवत नहीं कर सकते। पहले प्रवचन में आज एक मैंने फाउंडेशन बना दिया है। मेरी आंख बंद होते होते मैं मर्दानगी से दुनिया में से विदा हूं, इनके लिए मेरे कॉन्शियस के सामने मैं खड़ा रो जाऊं और परमात्मा बोले भगवान जब तक मेरे बस में था तब तक मैंने जान बुझ के गंदा कुछ नहीं किया। गुड विश, गुड वे, गुड वर्क एंड गुड वर्ड। कितनी विनती थी सामने श्री संघ की, और विनती को लेकर के सोचा भी नहीं था, निर्विघ्न उल्लासपूर्वक भरपूर प्रसन्नता के साथ जामनेर के प्रांगण में हम आ चुके हैं। आपका बेटा, आपकी बेटी, आपके मित्र जिनको धर्म शब्द से एनर्जी, उनको भी प्रवचन में लेके आना। उनको बोल देना कि गुरुदेव के बाद धर्म की बात फिर आएगी, फिर हम आदमी तो अच्छे बने।
और एक बार एक जीवन ऐसा रास्ता मिल जाएगा फिर तुम देखो तुम क्या कर सकते हो। मैं बात बताना चाहता हूं, आज यहां आना हुआ 2 साल के पहले साध्वी जी सुम्बिक निधि सिंह जी ने एक अद्भुत चातुर्मास श्री संघ को परमात्मा के बच्चनों की डिलीवरी करते करते एक ऐसे स्थान पे लेके आए। आपकी विनंती से मैं जीतना आया, उससे ज्यादा उनकी विनंती से खरीद माने तुम्हारी गुडविल उसने बढ़ाई। अच्छा है, अभी मैं उनको कहना चाहूंगा कि सही बोला था कि मस्का मारा था अभी देखो। आपकी प्रेरणा थी गुरुदेव, आपको जाना ही है पर कोई भी विवादास्पद बात में गए बिना किसी को कोई अंगुली करने का मन हो ऐसा कोई स्टेटमेंट दिए बिना पूरे श्री संघ को जिस मार्ग पर ले जाने में आपको सफलता मिली है काफी धन्यवाद के पात्र है। जब भी जामनेन के समाचार आपके द्वारा मुझे मिलते थे मेरे मन में भी था एक बार मैं भी तो जाऊं। हाँ आ गया हूं और अभी कल से इन्वेस्टिगेशन शुरू होगा। मैं निश्चित तौर से देखू एग्जाम तो क्या लू मैं भी आपके रास्ते पे ही था एक बार। मैं ये नहीं कहूंगा मैं इतना अच्छा था अच्छा बनाया गुरुदेव, पर ऐसी ऐसी बात गुरुदेव के मुंह से सुनी मैं हैरान और वो इंप्लीमेंट करते करते आज जो महसूस करता हूं दिल से आपके सामने ये सब बात रखूंगा। टाइम पंक्चुअलिटी बिल्कुल रहेगी अपने पास। मैं चाहता हूं आपके पास भी वो शिस्त तो होगी ही, हम टाइम में ही चलेंगे। परमात्मा धर्मनाथ भगवान आपके इंजन सरा का प्रतिष्ठा का भव्यतम प्रसंग उनके निमित्त आना हुआ और इस एंगल को लेकर के एक बात करूंगा, कल से प्रवचन का जो सब्जेक्ट है ना जैसा 4 स्टेप मैंने बताया, प्रवचन की समाप्ति के बाद 5 प्रश्न यहां से आपको पूछे जाएंगे प्रवचन रिलेटेड, आपको उंगली करके जवाब देना है, उनको संघ की ओर से पुरस्कार मिलेगा। मैं इसलिए नहीं मगर इसलिए कि कम से कम प्रवचन यहां तक तो मैं एक ऐसा छोटा सा प्रश्न पूछ के विराम दूं, ये प्रवचन में पेंडा की प्रभाव ना हो तो घर तक जाता है ना, घर नहीं ले जाता यहां भी मानते किसको नहीं मिले तो मैंने मैं ये कहना चाहता हूं हमारा पेंडा घर तक जाता तो प्रवचन वाला घर तक क्यों नहीं जाता, यहाँ ही बोल जाते हो बाहर तो कभी क्या बोला था कुछ नहीं यार मालूम नहीं क्या बोला था। अच्छा था बस ऐसा कुछ हो जाए और इसलिए चाहते कि प्रवचन के बाद 5 क्वेश्चन 5 मिनट में पूरा हो जाएगा, सबको याद रखने का एक मन होगा कि गुरुदेव कभी भी कोई भी किसी को पूछ सकते हैं। तो आज कल का प्रोग्राम निकले दूंगा
मते बंदा भी गुरुदेव हाँ चलो जल्दी पद्मभूषण विभूषित सरस्वती लब्ध प्रसाद पूज्य पद आचार्य देव श्रीमद विजय रत्न सुंदर सुरेश्वर जी महाराज साहब आदि संत सतियों के चरणों में जामनेर श्री संघ का विधिवत वंदन नमन। प्रवचन सभा में पधारे हुए सभी भाई बहनों का श्री संघ हार्दिक स्वागत करता है। बाहर गांव से पधारे हुए सभी अतिथियों का जामनेर श्री संघ हार्दिक स्वागत एवं सम्मान करता है। बाहर गांव से पधारे हुए सभी अतिथियों की भोजन आदि की व्यवस्था यहीं पर बाजू के पंडाल में की गई है, सभी अवश्य लाभ दिलावे। वैसे ही कल सुबह 6:30 बजे गुरुदेव का यहाँ से विहार होगा। जामनेर में सुबह 7 बजे प्रवेश होगा। हम नीचे बैठ के सुन सोफा सेट में कुर्सी पे बैठने की व्यवस्था इसलिए की जाती है, कई कमजोर भी है जिनको दिक्कत भी है मजे से बैठे, मगर जिनको लगता है हम आसानी से नीचे बैठ सकते हैं उनको नीचे बैठ करके और कोने में मत बैठना, अटैक नहीं करूँगा, सामने ही बैठना, हाँ तो थोड़ी मजा आ जाएगी। और आज इस कॉलेज में कांवड़िया परिवार ने एक बहुत अच्छा आयोजन किया, उनकी ओर से उनको हम सब की ओर से साधुवाद। ऐसे विहार करके सीधा जा सकते थे मगर आज रविवार का दिन और जामनेर के नज़दीक आए, आपकी विनंती थी आना हुआ और प्रवचन में इतनी काफ़ी संख्या बहुत बहुत या बातमी इथेच थांबूया। ताज्या अपडेट्ससाठी www.jbnmaharashtra.com या आमच्या वेबसाईटला लॉग इन करा, तसेच यूट्यूबवरील आमचे व्हिडिओ पाहायला विसरू नका आणि गुगल प्ले स्टोरवरील JBN News ॲप डाउनलोड करून JBN महाराष्ट्र न्यूज चॅनल लाईव्ह पहा। नमस्कार।